नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे 22 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है वही हम लोग बात डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज़्यादातर, चलिए हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में अपडेट मिलते रहे। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, मैं इसको मेरे दोस्त ने एग्ज़ाम तो नहीं दिया, मतलब वो हम एग्ज़ाम सेंटर से ही जा करके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए संविधान से 8 से 10 क्वेश्चन मतलब रिलेटेड है, संविधान से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है और जैसे कि ज़्यादातर संविधान से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए जम्मू कश्मीर कौन से आर्टिकल से संबंध है, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। जम्मू कश्मीर जो आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल से संबंध है, तो आप लोग जानते ही होंगे 370 वहाँ का आर्टिकल है जम्मू कश्मीर का। और फिर वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, शायद 243, हमको उतना कंफर्म नहीं है लेकिन 243 ही है शायद, आप लोग देख लेंगे 243। वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल संबंध है, तो 243 शायद होना चाहिए। राज्यपाल के लिए नियुक्ति के लिए आयु कितने होनी चाहिए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। राज्यपाल के नियुक्ति के लिए आयु आप लोग जानते ही होंगे कितना होना चाहिए, शायद 35 वर्ष है, आप लोग फिर भी मैच कर लीजिएगा। और राज्यपाल, और फिर राज्यपाल से कौन सा आर्टिकल में आता है ये भी आप देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इस तरह करके क्वेश्चन पूछा रहा है, स्पोर्ट्स विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और देखते हैं कि इनमें से हॉकी से संबंधित है या नहीं, मतलब दिया गया था क्वेश्चन, उतना तो याद नहीं था सबको जिससे हम क्वेश्चन पूछे के लिखे हैं, इनमें से हॉकी से संबंधित है या नहीं, जैसे कि दे दिया था ऑप्शन वाइज दे दिया था, चार ऑप्शन, चार पांच ऑप्शन दिया गया था और पूछा था कि इनमें से हॉकी का संबंध है या नहीं, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। और परसेंटेज मैथ में पूछा था कि परसेंटेज एवरेज प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, उसको भी बताएंगे कि कौन कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम लोग देख बने रहें और बताएंगे कौन कौन सा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर पूछा गया था कि दिल्ली विधानसभा परिषद स्थापना कब हुई थी, जी हाँ दिल्ली विधानसभा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग देख लें कि हाल फिलहाल में जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह वो सब का जरूर देख लेंगे, अच्छा रहेगा, 7 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख ही लें अच्छा रहेगा। और फिर जैसे कि आप लोगों को पूछा था कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था क्वेश्चन, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पूछा था, सीरीज वगैरह पूछा, सीटिंग अरेंजमेंट पूछा, सब सर्कल सेटिंग अरेंजमेंट जो पूछा सब सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर ही मुँह तरफ मुँह घुमा हुआ था, बाहर नहीं था, टुवर्ड्स सर्कल ही तरफ सर्कल तरफ ही था। और जैसे कि हम लोग फिजिक्स में, चलिए साइंस में थोड़ा देखते हैं, एक्स गुणसूत्र से प्रश्न पूछा था, गुणसूत्र वगैरह जो है क्रोम वो सब से क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी से भी 7 से 8 क्वेश्चन रहा, इस तरह लड़का लोगों ने बोला पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन रहा। ट्रेन से ये सॉरी जैसे कट गया है, तो ट्रेन से संबंध क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेन से संबंध क्वेश्चन पूछा गया था, जो लंबाई निकालना था ट्रेन में सिर्फ, तो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर और स्क्वायर आप लोगों का जो था 12 और 14 का वर्गमूल स्क्वायर निकालना था, इस तरह करके था क्वेश्चन, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। और थोड़ा कुछ बाकी है, आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। और जैसे कि पेरिस किस नदी के किनारे बसे हुआ है, बसा हुआ है, मतलब इस तरह क्वेश्चन था, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और बहुउद्देशी परियोजना से एक क्वेश्चन पूछा था, उद्देशी परियोजना वगैरह जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ जो ये परसेंटेज से जो क्वेश्चन था इस तरह था कि 200 रुपया में एक बुक खरीदा, तो 180 रुपये, 210 रुपये में एक बुक खरीदा और 180 रुपये में बेचा जाता तो कितना परसेंट का फ़ायदा होगा, तो इस तरह बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से परसेंटेज वगैरह से। और ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन था जो काफ़ी इजी था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, इस तरह करके मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आज था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, हमारे चैनल से आप बने रहें ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूं हर रोज़। धन्यवाद।